भूल जाओगे। तो हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई भी चीज को नोट करने की जरूरत नहीं, हर एक चीज को हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, एक डिजिटल नोट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, हमारा ओके वन टू वन क्लास होता है, मतलब कि हमारी क्लास मोस्टली एक बच्चे से या एक से लेके पांच बच्चे के बीच में होती है, तो स्मॉल साइज बैच या इंडिविजुअल क्लास होता है। तो इसमें हमारा पूरा फोकस आप लोगों के पास होता है, आपके हर डाउट को, आपके हर ऑफिशियल प्रॉब्लम को, आपके हर प्रोजेक्ट को हम पूरी बारीकी से देखते हैं और आपको उस पर रिप्लाई करते ठीक है। हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोर्स के बारे में बात करें, तो हालांकि हमें वेबसाइट iptindia.com पे जाके आपने देखा ही होगा, बेसिकली मेरे जो कोर्स है वो तीन तरह के कोर्स है, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है ठीक है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, जो पहली कोर्स है वो है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला। इसमें ठीक है क्या है कि जो एक्सेल के जो मेनू बार है आपके, वो हर एक मेनू बार के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोर देन 200 ठीक फॉर्मूला, फॉर्मूला के नेस्टिंग, एरे फॉर्मूला, फॉर्मूला ट्रिक्स, डायनेमिक चार्ट, डेटा कनेक्टिविटी, डेटा हैंडलिंग, डेटा समराइजेशन, ये सारी चीजों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं इन शॉर्ट करूं तो हमारा जो पहला लेवल है जो है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, उसको करने के बाद आप एक्सेल के इनबिल्ट हर फीचर्स को जान जाओ, ठीक है। उसके बाद जो ठीक है, है जो हमारा लेवल टू है, लेवल टू का क्या है कि वह वीवीएम मैक्रो पावर प्रोग्राम, अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है इसको जानना। देखिए, एक्स लेवल वन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सेल की इनबिल्ट सारे फीचर्स के बारे में, जो भी फीचर्स अवेलेबल है एक्सेल के अंदर, वो सारे चीज आपको हम बता रहे हैं, लेकिन वो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ चीजें ऐसी हो जो कि आपके एक्सेल में उसके लिए कुछ नहीं, या है तो काफी लेंदी है, तो आप अपने लिए ऑटोमेशंस कर सकते हैं, अपने लिए तैयार कर सकते हैं, अपने खुद के फॉर्मूले, अपने खुद के कमांड्स, खुद के रिपोर्ट्स एंड खुद के ऑटोमेशन, मतलब जो काम आप घंटों में करते हैं उस काम को करने के लिए ऐसा टूल्स डेवलप कर सकते हैं कि आपका विदिन सेकंड में हो जाए, ओके ठीक है। तो ये किसके साथ होगा, ये होगा बीबीए मैक्रो पावर प्रोग्राम के साथ, ठीक है। ठीक है वो वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की मदद से आप अपने लिए टूल्स डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको मदद करेगा ऑटोमेशन के लिए। फिर जो तीसरा पार्ट आएगा, और तीसरा पार्ट आएगा एमएस एक्सेस डेटाबेस की। एमएस एक्सेस डेटाबेस, एमएस एक्सेस डेटाबेस क्या करेगा कि एमएस एक्सेस डेटाबेस आपका कुछ ऐसे फीचर्स हैं एक्सेल के जो कि पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है तो लेंदी है, या फिर लार्ज डेटा स्टोरेज की बात होती हो, तो इसलिए हम इस कोर्स में एक्सेस इंक्लूड कर रखे हैं। तो आपके इस कोर्स में तीन चीजें आई, पहला आया आपका एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, ठीक है। इसके डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट पे जाके iptindia.com पे जाके देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा आया वो दूसरा है एक्सेल वीवीए पावर प्रोग्राम। एंड तीसरा जो हमारा है वो है एमएस एक्सेस डेटाबेस। राइट, तो तीन मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम पूरी एमआईएस को कवर करते हैं, राइट। अब राइट इसकी ड्यूरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है
ड्यूरेशन मतलब कि किस कोर्स की क्या ड्यूरेशन होगा। तो ड्यूरेशन के लिए मैं आपको पहले बताऊं कि मेरे जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन एवरेज है, कि अगर तीनों कोर्स को इकट्ठा करते हैं तो एक तकरीबन 100 आवर की क्लास होती है और इसका ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ हो जाता है। लेकिन 3 to 4 मंथ जो है ये एवरेज है, हो सकता है कि इससे बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है इससे बहुत लेट हो जाए, तो डिपेंड करता है आपकी, ठीक है। अगर सिर्फ एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला करते हैं तो 1 and half month में होता है। VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं तो 2 मंथ अराउंड लगता है, और सिर्फ एक्सेल एक्सेस करते हैं तो 1 मंथ अराउंड लगता है, और तीनों एक साथ करते हैं तो आपको सर प्लीज आप 2 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। इंडिविजुअल हम काउंट करेंगे 2, 3, 4, 4.5 माने कि 4.5 महीने लग रहे हैं, आप बोले 3 महीने करा दें, इसलिए कुछ टॉपिक तीनों में रिपीट है। इंडिविजुअली करते तो मुझे एक ही बार कराना पड़ता है, अलग अलग मुझे उसको 3 बार कराना पड़ता है, इसलिए ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये एवरेज है, ये आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर फास्टली चलोगे आपको तो हो सकता है 2 महीने से भी कम में हो जाए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सिखाना है, सीखना तो आपको है ना। राइट, मैं तो चाहूंगा कि ये चीजें एक दिन भी सीख जाओ, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो जितना टाइम होगा लर्निंग, सिंपल सी बात है ना, लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लर्निंग के लिए आपको टाइम और मेहनत दोनों देना ही पड़ता है। उसके बाद अगर हम इसकी फीस की बात करें तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो इसकी फीस आपको पड़ती है 15,000। अगर सिर्फ एमएस एक्सेस डेटाबेस लेते हैं तो ये पड़ेगा आपका 6,000 का, अगर वीवीए लेते हैं सिर्फ तो 10,000 का, और एक्सेल लेते हैं तो 7,500। तो इंडिविजुअली ये आपके फीस स्ट्रक्चर है, और ये आपके एक कंबाइन करते थे आपका फीस है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो जनरली हम इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी बच्चे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, लेकिन हमारा मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो होता है वो 5,000 का होता है। अब 5,000 के अकॉर्डिंग जितनी EMI बन जाए आप बना के दे सकते, राइट। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इस क्लास की वीडियोज मिलेगी, हर क्लास की आपको डिजिटल नोट के रूप में वीडियो मिलेगा, देन मिलेगा आपको आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइटों से मैंने जो रिसर्च करके निकाला हुआ आर्टिकल्स है ये आर्टिकल्स आपको दूंगा, पीडीएफ बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की पीडीएफ बुक्स जो कि मैंने खुद पढ़ी है वो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इसमें लाइव डेटा, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे, लाइव डेटा होगा, सैंपल डेटा होगा, जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस डेटा होगा। तो जितना हो सके हम स्टडी मटेरियल आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पे आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। और इसमें एक बेनिफिट आपको मिलता है, और मिलता है फ्री री ज्वाइनिंग का, मतलब कि इन फ्यूचर में अगर आप कोई भी कोर्स, मान लीजिए अभी अभी आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया एंड आपने कंप्लीट कर दिया, बट इन फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि कोई चीज आप भूल गए हो या टच से बाहर हो या सही तरीके से आपने सीखने में ध्यान नहीं दिया था, तो आप कोर्स को, जो कोर्स आपने एनरोल कर रखा है उस कोर्स को आके कभी भी रिपीट कर सकते हो। आप मेरे किसी भी लर्निंग बैच में, जी हाँ, किसी भी लर्निंग बैच में आके आप अपने कोर्स को कंप्लीट या रीज्वाइन कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मिलता है इसमें ब्रेक का। होता है क्या कि जो कंप्लीट कोर्स करते हैं तो मान लीजिए कि जैसे जीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग उन्होंने किया और उनके बाद लगा कि यार इसके आगे पढ़ने, अभी नहीं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर रुक जाते हैं क्योंकि मैंने जो वीवीए पे प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज होती है,
और हमारे पास जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो 10 घंटे या 5 घंटे प्रैक्टिस कर पाए। तो उस केस में वो ब्रेक भी मांग सकते हैं कि सर मुझे ब्रेक दे दीजिए कि मैं 15 दिन 20 दिन महीना दिन मैं पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, देन वी कैन कंटिन्यू आवर रेस्ट ऑफ कोर्स। तो आप इसकी ब्रेक लेके भी चल सकते हैं, बस कंडीशन एक ही होगा कि आपको टाइम जो है बैच का वो कोई और मिलेगा फिर। अच्छा ठीक है, क्योंकि ब्रेक अगर सारा बैच ब्रेक लेगा या कोई बच्चे है नहीं कंटिन्यू करेंगे वो सब तो ब्रेक लेंगे नहीं, वो बैच तो आगे कंटिन्यू होगा ना, तो उस समय तो टाइम ही नहीं हो जाएगा। तो आपको कोई और टाइम, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सिर्फ एक्सेल ही पढ़ाता हूँ, इन दिस बिटवीन आपको जो है कोई ना कोई बैच सुटेबल मिल ही जाएगा। अब इसकी कोर्स के बहुत डिटेल्स में देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। दूसरा कि आप चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है उसके बारे में देखना, तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएंगे, वहां पे जाके वीडियो सेक्शन पे जाएंगे, सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, वहां पे मैंने हजारों से ज्यादा वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसमें से आप 10-15 वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। YouTube पे जो वीडियो मैंने डाला है वो मेरा प्रमोशनल वीडियो है, मतलब कि मेरे कुछ कुछ क्लासेस की वीडियो उठा के मैं डाल देता हूँ, क्योंकि तो मैं पिछले करीब 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हर दिन अगर मैं तकरीबन 18 क्लासेस लेता हूँ, 17 क्लासेस लेता हूँ, उसमें की 5-7 वीडियो लेकर हम यूट्यूब पे डाल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैच, तो वहां पे कंटिन्यूस नहीं है वो, डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है, लेकिन उससे आपको पता चलेगा कि कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, मेरी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, वो सारे मेरे लाइव बैचेस की रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। अगर मान लीजिए इन बिटवीन क्लास के दौरान बीच में कहीं किसी काम पे जाना पड़े, दो तीन क्लासेस छूट जाए, उस केस में कैसे कवर करेंगे हाँ, उसको? उस केस में कवर करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है तो उससे आप कवर कर सकते हैं। दूसरा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि सुबह में आपने छोड़ दिया, शाम में सेम टॉपिक में किसी और बैच को करा रहा हूं तो आप कर सकते हैं, तो सुबह शाम तो मैं एक्सेल ही पढ़ा रहा हूं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप जो है सैटरडे एंड संडे को एक्स्ट्रा टाइम लेके अपनी उस कोर्स को उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। मतलब आप इंडिविजुअली सैटरडे संडे को टाइम दे सकते हैं। हाँ, सैटरडे संडे को, हर सैटरडे संडे तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपको पहले टाइम बुक कर लीजिए, अवेलेबल होगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो बच्चे क्या और करते सर कोई हैं, बच्चे सर्टिफिकेट क्या वगैरह? करते हैं ना, मिसिंग बच्चे करते हैं कि जैसे 3-4 माने कि एक एक 2 वीक का गैप लेके जितने भी जो छुट्टे हुए टॉपिक होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और सैटरडे संडे में 2-2.5 घंटे की मुझसे दे लेते हैं। और तो आपकी सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं? सर्टिफिकेट आपको हम देंगे एक्सेल एक्सपर्ट का, वो सर्टिफिकेट होगा और इसके आईबीटी से, और वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्टिंग, आप कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेंगे, हम आपको एक रियल प्रोजेक्ट देंगे, क्योंकि तो मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट हूँ तो मेरे ऑफिसों से बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो कोई ही एक रिपोर्ट मैं आपको दूंगा वो रियल टाइम लाइव रिपोर्ट होगी, उसको आपको ऑटोमेट करके मुझे देना है, मैं क्लाइंट को फॉरवर्ड करूंगा, जो भी मेरे कंपनीज है उन कंपनीज की जो ये आएगा क्या बोलते हैं उसका जो फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग होगा, ओके ठीक समझे? है, ठीक है। तो सर ये पेमेंट बोर्ड आपका कैसे होता है, बाई चेक लेते हैं, बाई कैश लेते हैं? बाय डेबिट, आप जो है ना वहां पे मेरी वेबसाइट iptindia.com से डायरेक्टली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, वहां पे मेरे पेमेंट पोर्टल है, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, और टाइमिंग जो चाहिए आपको, तो आपको करना क्या है, आपको कंप्लीट कोर्स करना है,
आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं बोलो आपको कंप्लीट कोर्स करना जी कंप्लीट को। वैसे मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, तो आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग विद एडवांस एक्सेल, लेकिन फिर भी एक ब्रशअप हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे ठीक है। कि तो लाइब्रेरी क्रैश कोर्स वगैरह फिफ्टीन थाउजेंड आपकी फीस लगेगी। आप मेरे वेबसाइट iptindia.com से है। इनरोल कर लीजिए, और ये 5 बजे का टाइम अगर आपके लिए सुटेबल है तो मैं 5 बजे के भी टाइम आपको दे दूंगा। ओके ठीक है, खाली है मेरा तो ये टाइम आपको मिल ठीक जाएगा। आप चाहो तो मंडे से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टाइम फिलहाल खाली है क्योंकि मैंने परसों ही इसका बैच खत्म किया है, और इस टाइम को लिए 3-4 लोगों ने मुझसे बातचीत कर रखी। तो अगर आप एनरोलमेंट जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी ये टाइम आपको मिलेगा। अगर किसी और नए एक्सेस के लिए, बीवीए के देखिए लिए, इसमें तो आपका ये क्या बोल रहे हैं? सर, मैं कह रहा हूँ इस मंथ तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे ज्वाइन कर पाना, क्योंकि मेरा इस मंथ थोड़ा बिजी शेड्यूल है। मैं एक्चुअली नोकिया में काम करता हूँ, तो मेरा नाइट शिफ्ट होता है, ठीक है ठीक और कभी कभी है। वो अप एंड डाउन हो